मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उसी काम में लगा हुआ हूँ। इन महान शब्दों को कहने वाले भाई स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी को यह चैनल सनातन भारत समर्पित है तथा उन्हीं से प्रेरित होकर इस चैनल की स्थापना की गई है। नमस्कारम, मैं प्राकृतिक चिकित्सक हिमानी वशिष्ठ आपका अपने चैनल सनातन भारत पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे नुस्खे हैं कमर दर्द के लिए, हजारों नुस्खे हैं, पर जो सबसे कारगर जो नुस्खा है, जो सबसे कारगर जो है, फायदेमंद है, उपयोगी है, वह मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ आपको एक ही नुस्खा मैं इस वीडियो में बताऊंगी, पर अगर आपने वो एक नुस्खा भी कर लिया तो सबसे कारगर नुस्खा है, सबसे अच्छा नुस्खा है वो। इसलिए मैं इस वीडियो की हेडिंग भी इसी तरह से दे रही हूँ कि सबसे कारगर नुस्खा कमर दर्द के लिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने ऐसे हजारों नुस्खे छोड़कर इसी नुस्खे को क्यों चुना है। कमर दर्द आजकल एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर सभी लोगों को अपने जीवन में कभी ना कभी तो फेस करनी ही पड़ती है। जो योगी हैं, योग करते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, बाकी मैं हम आम लोगों की बात कर रही हूँ। इसके लिए जो सबसे कारगर उपाय है वह है अरंड का पत्ता। फिर से सुन लीजिए, अरंड का पत्ता। हमें कैसे इसका प्रयोग करना है? अरंड के पत्ते पे हल्का सा सरसों का तेल लगा लीजिए। अरंड के पत्ते पर सरसों का तेल लगा लीजिए। सरसों के तेल लगाकर उसे हल्का सा गर्म कीजिए अरंड के पत्ते को। फिर गर्म किए हुए उस पत्ते को अपनी कमर पर बांध लें। कैसे बांध सकते हैं आप? आप किसी सूती वस्त्र की सहायता से आप उसे बांध सकते हैं कमर पर। उसको बांध कर रखिए और जितनी बार भी आप ये प्रयोग करें तो हमेशा नए पत्ते का इस्तेमाल करें, नया अरंड का पत्ता लेकर आइए। बहुत ही कारगर उपाय है ये और बहुत ही प्रभावी रूप से कार्य करता है कमर दर्द के अंदर। आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे, करके ज़रूर देखिएगा। मैं आपको आशा दिलाती हूँ कि ये बहुत मेरी खुद की हुई रेमेडी है, तो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत उपयोगी है ये रेमेडी। तो मैं भी अभी के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगी। मैं ऐसे बहुत सारी जो स्वदेशी उपचार हैं, प्राकृतिक उपचार हैं, आयुर्वेदिक उपचार हैं, अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ, लेकर आती रहूँगी। तो आप मुझसे जुड़े रहें, आप देखते रहें मेरे सभी वीडियोस को, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिए। तो अभी के लिए धन्यवाद।